मैं तो चाहता हूँ उनको चार जूते और मारे जाएं। कोई भी अछूत और कोई भी शूद्र आपके मंदिर में जाए, आप मेरी तरफ से 20 जूता उसको मार दें, 20 लाठी मार दें, कोई तकलीफ नहीं है मुझे। और यह जिला में जो हुआ है वो इसीलिए हुआ है, अगर वो बौद्ध हो गए होते तो उनके साथ ऐसा नहीं होता किसी। और जब आपका हंसने का मन हो तो आप नरेंद्र मोदी जी का एक भाषण सुन लीजिए, जितना अच्छा आपको कपिल मिश्रा नहीं हंसा पाएगा उससे अच्छा नरेंद्र मोदी हंसा देते हैं। टाइम पास के लिए नरेंद्र मोदी का भाषण सुन लेते हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि कम से कम कई हजार झूठे लोगों का मरण हुआ होगा तब नरेंद्र मोदी पैदा हुए होंगे, इतने झूठे आदमी हैं, इसलिए उनकी बातों को हम गंभीरता से नहीं लेते हैं। संघ वाले हमें टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। बहुजन समाज के लोग आज भी जाति से नहीं निकल पाए हैं, इन्हें जाति देकर के दूल्हा चाहिए, जाति देकर नेता चाहिए, जाति देकर के इन्हें सब कुछ चाहिए। इसलिए जिन्होंने हमें जातियों में बांटा था इसलिए कि ये लोग बट जाएंगे, इन पर हम काबिज हो जाएंगे, और उन्हीं सड़ी गली जातियों को आज ये मान सम्मान स्वाभिमान से अपने अंदर चढ़ा करके बैठे हैं और गर्व करते हैं। कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता है, इसलिए जातिवादी लोगों के साथ अत्याचार होता रहेगा तब तक जब तक ये बाबा साहब की बात नहीं मानेंगे। सर, मैं संजय अम्बेडकर, आप देख रहे हैं भीमराज दस्तक चैनल, जिनको हम चैनलों पे देखा करते थे, यूट्यूब चैनलों पे, टीवी पे, आज उनके साथ में बैठे हैं भंते सुमित रतन जी। इनका एक कार्यक्रम लगा है 9 अक्टूबर को, भारतीय बौद्ध महासभा सम्मेलन, उसको लेकर बात करेंगे किस तरह से कार्यक्रम को आयोजन कर रहे हैं, कहां कहां से लोग आ रहे हैं, कहां कहां से सर आ रहे हैं लोग। ये उत्तर प्रदेश की धरती में पहली बार इतना बड़ा राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन हो रहा है जिसमें बाबा साहब का परिवार आ रहा है, भारत के सबसे बड़े भंते ज्ञानेश्वर जी आ रहे हैं, कई देशों से लोग आ रहे हैं और अलग अलग विधा के गणमान्य जन बहुत सारे लोग आ रहे हैं, पूरे भारत के लोग आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे महोत्सव को आप ना गवाएं, आप भी इस कार्यक्रम में जरूर पधारें। एक तरफ सर जो सत्ता में सरकार है वो हिंदू राष्ट्र बनाने पे तुली है, इधर आप राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन करके लोगों को प्रेरित कर रहे हैं बौद्ध बने। देखिए, जिस तरह से वो लोग अपना काम कर रहे हैं उसी तरह से हम लोग अपना काम कर रहे हैं। ब्राह्मण संस्कृति और श्रमण संस्कृति का बहुत पुराना युद्ध है, हम श्रमण संस्कृति के लोग हैं, जिस संस्कृति ने इस भारत पर 1250 साल शासन किया है। आज लंबे संघर्ष के बाद ब्राह्मण संस्कृति का शासन चल रहा है, लेकिन हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि ये देश किसी मठ मंदिर से, किसी धार्मिक किताब से नहीं बल्कि संविधान से चल रहा है, इसलिए संविधान के दायरे में रह करके हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और लोगों को घर वापसी की तरफ ले जा रहे हैं। मैं घर वापसी कहता हूँ पुनः बौद्ध धर्म अपनाने को। तमाम यहाँ लोग हैं जो बाबा साहब की तमाम चीज़ें स्वीकार कर लेते हैं, चाहे उनका शुद्ध जल पानी हो, घर मकान मान सम्मान या संविधान की धाराएं हो, बाबा साहब का दिया हुआ जब धर्म की बात आती है तो ये लोग पीछे हट जाते हैं। तो ऐसे लोग हैं जो ये तय नहीं कर पाए कि जो हमारा मसीहा है, हमें बता के गया है, उस धर्म को भी माने, तो हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं और पूरे देश में बहुत तेज़ी से आंदोलन चल रहा है। एक तरफ देखा जाए तो सर जो है सत्ता में बैठी सरकार जो है जो हिंदू के खिलाफ जाता है, आरएसएस जो है उस पर, जो बीजेपी सरकार भी है उस पर एनएसए लगा देती है, देशद्रोह बोलती है। देखिए, भगवान बुद्ध का धर्म कोई बाहर का धर्म नहीं है, ये ना मुसलमानों की तरह है ना ये ईसाइयों की तरह है। भगवान बुद्ध का दर्शन भारत का दर्शन है, बुद्ध की संस्कृति भारत की संस्कृति है और बुद्ध की संस्कृति ने तक्षशिला, नालंदा, उदंतपुरी, विक्रमशिला जैसे विहार दिए, 1250 साल यहाँ शासन उनके राजाओं ने किया और आज जो भारत में आप देख रहे हैं जो भी स्वर्णिम है ये बौद्धकालीन है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई हिंदू हमारे बौद्ध होने पर या बुद्ध की दर्शन को फैलाने पर नाराज़गी जाहिर करेगा और हमें रोकने का या हमारे खिलाफ़ FIR करने का प्रयास करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जब बाहर जाते हैं तो कहते हैं कि मैंने आपको बुद्ध दिया है, लेकिन यहाँ आते हैं तो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी की अगर आप बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी जी इस समय कह सकते हैं कि जब आपका वक्त ना कट रहा हो और जब आपका हंसने का मन हो तो आप नरेंद्र मोदी जी का एक भाषण सुन लीजिए, जितना अच्छा आपको कपिल मिश्रा नहीं हंसा पाएगा उससे अच्छा नरेंद्र मोदी हंसा देते हैं। तो इस समय भारत में जितने भी अच्छे लोग हैं इससे ज़्यादा और ज़्यादा बढ़कर के उन्हें मान नहीं रहे हैं,
टाइम पास के लिए नरेंद्र मोदी का भाषण सुन लेते हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि कम से कम कई हजार झूठे लोगों का मरण हुआ होगा तब नरेंद्र मोदी पैदा हुए होंगे, इतने झूठे आदमी हैं, इसलिए उनकी बातों को हम गंभीरता से नहीं लेते हैं। एक तरफ देखा जाए तो सर आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जो है मस्जिद मदरसे में जाकर लोगों से मुलाकात करते हैं, मस्जिद के मुखिया कहते हैं मोहन भागवत हमारे लिए राष्ट्रपिता राष्ट्रमुनि हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जो मुसलमान उनके लिए ऐसा कह रहा है वो उनका गुलाम होगा, उनका पेड आदमी होगा, कोई अच्छा मुसलमान ये नहीं कह सकता है। क्योंकि भारत का राष्ट्रपिता डॉक्टर अम्बेडकर है, भारत का राष्ट्रपिता ज्योतिबाराव फुले है, मोहन भागवत नहीं हो सकते। जिस तरह से हिंदुत्व के लिए ब्रेनवाश किया जाता है आज के युवाओं को, किस तरह से ब्रेनवाश आप करेंगे बौद्ध की तरफ प्रेरित कर? मुझे कुछ अलग बताना ही नहीं है, ना बच्चों को सातिर बनाना है, ना इनसे झूठ बोलना सिखाना है। प्रकृति के आधार पर ये अपने आप को एडजस्ट करते रहें, करुणा दयाशील मानवता के माध्यम से देश को प्रगति के मार्ग पर ले जाते रहें। मैं एक बार फिर बता दूं, दो तरह की संतानें होती हैं, एक होता विचार पुत्र, एक होता रक्त पुत्र। बहुजन समाज के लोग रक्त पुत्र रोज पैदा करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक ये रक्त पुत्रों की पैदाइश करते हैं, लेकिन ये नादान लोग हैं, ये विचार पुत्रों को जन्म नहीं दे पाए हैं, इसलिए इनकी विचारधारा रनअप नहीं हो पा रही है। जिस तरह से आरएसएस ने विचार पुत्रों को जन्म दे दिया, संख्या उनकी कम है, भारत पर कब्जा कर लिया, जिस दिन ये बहुजन समाज रक्त पुत्रों की बजाय विचार पुत्रों को सम्मान देना, उनको पैदा करना सीख जाएगा, ये देश फिर पुनः बहुजनों का होगा और यहाँ का हुक्मरान भी बहुजन ही होगा। अभी सर इसके पहले आप जो है बाबा साहब के समतामूलक समाज की बात कर रहे थे पानी को लेकर। एक तरफ देखा जाए तो राजस्थान के ज़िले में जो है जालौर में ऐसी घटना घटती है जहाँ पे टीचर जो है बच्चे को पानी पीने के वजह से इतना मारता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। देखिए, मैंने तो जो अभी जो शंकराचार्य मर गए हैं उनको और जो जीवित हैं निश्चलानंद उनको पत्र लिखा है। मैंने पत्र लिखा है कि कोई भी अछूत और कोई भी शूद्र आपके मंदिर में जाए, आप मेरी तरफ से 20 जूता उसको मार दें, 20 लाठी मार दें, कोई तकलीफ नहीं है मुझे। हिंदू धर्म में रहकर के जो चौथे पायदान पर रहकर अपमान की ज़िंदगी जीना चाहता है और पिटना चाहता है, उसके लिए क्या फ़र्क पड़ता है? जब बाबा साहब तमाम जंजावातों को झेल कर संकल्प लेकर के, मैं तो चाहता हूँ उनको 4 जूते और मारे जाएँ। अभी ऐसी ही एक घटना जो है रुकने की नाम नहीं ले रही, औरैया जिला में सेम ऐसी ही घटना घटी है। जी, औरैया जिला में जो हुआ है वो इसीलिए हुआ है, अगर वो बौद्ध हो गए होते तो उनके साथ ऐसा नहीं होता, किसी मुसलमान के साथ ऐसा करके दिखाएं। अब भाई हिंदू हिंदू को मार रहा है, हम क्या करें? अगर वो लड़का, फिर भी मुझे दर्द है कि संविधान के भारत में, बाबा साहब के भारत में, कबीर के भारत में, बुद्ध के भारत में, अगर कोई जाति के आधार पर किसी के साथ अत्याचार कर रहा है, अन्याय कर रहा है, तो संविधान के तहत उसके साथ उसे जेल होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए, ऐसी हम मांग करते हैं। लखीमपुर खीरी वाले कांड में आरोपी जो है मुस्लिम थे, ना वहाँ अम्बेडकरवादी विचारधारा वाले दिखे, ना बौद्ध अनुयायी दिखे, वो लोग अलग से आरोप लगा रहे हैं कि जाति देखकर जो है अम्बेडकरवादी आंदोलन करते हैं। देखिए, भाजपा वाले या संघ वाले हमें टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। बहुजन समाज के लोग आज भी जाति से नहीं निकल पाए हैं, इन्हें जाति देखकर के दूल्हा चाहिए, जाति देखकर नेता चाहिए, जाति देखकर के इन्हें सब कुछ चाहिए। इसलिए जिन्होंने हमें जातियों में बांटा था, इसलिए कि ये लोग बट जाएंगे, इन पर हम काबिज हो जाएंगे, और उन्हीं सड़ी गली जातियों को आज ये मान सम्मान स्वाभिमान से अपने अंदर चढ़ा करके बैठे हैं और गर्व करते हैं। कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता है, इसलिए जातिवादी लोगों के साथ अत्याचार होता रहेगा तब तक जब तक ये बाबा साहब की बात नहीं मानेंगे। बाबा साहब की अंतिम इच्छा बौद्ध धर्म की ले लो दीक्षा, इसके अलावा और कोई मार्ग बहुजनों का नहीं है। लगातार आप पे आरोप लगते हैं सर, राजनीति के दौर में देखा जाए तो विधानसभा चुनाव में लगातार आप सभी पार्टियों से मिल रहे थे, मुखिया से भी मिल रहे थे, आप पे आरोप लगता है कि आप सपा वाले हैं या वाले, क्या कहेंगे इस पे सर? मैं देखिए, भगवान बुद्ध और बाबा साहब की आइडियोलॉजी का अनुयायी हूँ। मैं चाहता हूँ जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के तहत अगर कोई बहुजन समाज का नेता हिस्सेदारी देता है तो ये मेरे लिए खुशी की बात होगी। एक ही जाति के लोग मुख्यमंत्री, एक ही जाति के लोग एमपी एमएलए बनते रहेंगे, ये भी ठीक नहीं है। मेरा मानना था, मैं यही इनको समझाना चाह रहा था कि सबको हिस्सेदारी बांटो,
जब पानी बरसता है तो सबके यहाँ बराबर बरसता है, सूरज का प्रकाश निकलता है सबके यहाँ बराबर निकलता है, फिर भी जातिवादी नेता ईमानदारी से सबको हिस्सेदारी नहीं देते हैं, इसीलिए कम संख्या के लोग इस देश पर शासन कर रहे हैं। अगर ये बहुजन समाज के लोग ईमानदारी से सबको हिस्सेदारी बांट दिए होते तो भाजपा का कभी खाता नहीं खुलता उत्तर प्रदेश में। लेकिन जो भी अपराध किया है वो बहुजन समाज के नेताओं ने किया है, उसका दंश नेता नहीं, वो तो जेड श्रेणी में घूम रहे हैं, मजे काट रहे हैं, उसका नुकसान उठा रही है एससी ओबीसी की जनता जो पिट रही है, लात खा रही है, घूंसे खा रही है। बहुजन समाज की पार्टी में नेता में देखा जाए तो क्या समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी या केवल बहुजन समाज? मैं नेताओं का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। माननीय कांसीराम साहब के आंदोलन ने, रामस्वरूप वर्मा के आंदोलन ने, बाबू जगदेव प्रसाद के आंदोलन ने एससी ओबीसी में लाखों नेता पैदा कर दिए हैं। नेताओं की कोई कमी नहीं, लेकिन कुछ नेताओं का अपराध है जो समाज को बांट नहीं पाए, जाति को जमात नहीं बना पाए, जो माननीय कांसीराम ने बनाया था, उसका खामियाजा है कि बीजेपी यहाँ शासन कर रही है। कार्यक्रम पे फिर से लौटते हैं सर, कार्यक्रम पे कितने संगठनों का समर्थन मिला है, कहाँ कहाँ से संगठन आ रहे हैं? ये कार्यक्रम गैर राजनीतिक है, यहाँ हमने किसी नेता को नहीं बुलाया है। और संगठन की बात करें, जितने भी संगठन बहुजन समाज के हैं, बड़े बड़े हैं, छोटे छोटे हैं, मैं सबको बुलाया, इसलिए हमने बुलाया है क्योंकि बाबा साहब ने लिखा है, हमारे महापुरुषों ने लिखा है कि व्यक्ति बड़ा नहीं होता, संगठन बड़ा नहीं होता, विचारधारा बड़ी होती है। अगर विचारधारा बनी रहेगी तो हमारे जैसे लोग पैदा होते रहेंगे, अगर विचारधारा ही नहीं रहेगी तो ना नेता पैदा होंगे ना बौद्ध भिक्षु पैदा होंगे। इसलिए जाति का और संगठन का अभिमान त्यागो और भगवान बुद्ध की छाया के नीचे आओ, हम सब लोग मिलकर के इस देश को पुनः बौद्ध राष्ट्र बनाते हैं। लखीमपुर कांड, अरोया कांड, जालौर जैसी कांड तब तक होते रहेंगे जब तक आप बौद्ध नहीं बनेंगे, भंते सुमित रतन जी का कहना है। धन्यवाद।